बिल्कुल ओके चल रहा है। चल रहा है यहाँ आने के बाद अभी 3 महीने में, आज तो गाड़ी का स्वास्थ्य करवाने के लेके आए थे, दूसरी लेके आए आज। गाड़ी दूसरी ले आई, गाड़ियाँ ही लेना लाओगे पहले तो है। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे बाण भाइयों ने मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। बाण और भाइयों फिलहाल खड़े हम माँ अघोरा काली दरबार बाड़क में, जिला हिसार में, और ठीक रात्रि के 12 बजने वाले हैं। और भाई बहुत सी जनता इधर दिखाएं एक बार, सारा यू गयो आए हुए हैं हवन के ऊपर, और जो जितने भी भक्तजन आए हुए हैं ये भाई कोई भी, मैं हरियाणवी भाषा में बताऊँ अपने बावड़ों में कुनियारे सारे हैं, यहाँ पर आने मात्र से इस हवन यज्ञ में हिस्सा लेने मात्र से लोगों के अनेक कष्ट रोग दूर होते हैं, अनेक व्याधियाँ दूर होती हैं, अनेक जो भाई कोई भी लाग लपट जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर दूर हो जाती है, ऐसा लोगों का मानना, ऐसा भगत जी करें। हम किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं करते, हम सिर्फ माध्यम हैं आप तक सच्चाई पहुँचाने के लिए, लोगों से बातें करते हैं, लोग जो वो कहते हैं वही बात आप तक पहुँचे, सच पहुँचे इसके लिए हम बाध्य हैं, और सत्यता दिखाने के लिए यहाँ हम रात्रि को भी आते हैं, इसलिए ताकि आप तक सच्चाई पहुँचे। यदि आपको वीडियो में ठीक लगे तो कमेंट में लिखना, यदि आपके साथ कहीं धोखा होता है या किसी प्रकार की आपके साथ कोई लूट खसूट या पाखंड बताया जाता है तो हमें सूचित करें, हम उस पाखंड का पर्दाफाश करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम उन्हीं धामों में जाते हैं जहाँ पर सत्य सनातन धर्म के साथ सच्ची बातें बताई जाती हैं, और सनातन धर्म की रक्षा है तो अच्छा कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार हवन यज्ञ किया जाता है, और कुछ भी अलग से वेदों के अलावा कुछ भी नहीं किया जाता है यहाँ पर। जी कहाँ से? बठिंडे। बठिंडा से? हाँ जी। सीधे पंजाब तो आने लग रहे हो? हाँ जी। पहली बार आए हो आप भी? नहीं, एक बार पहला आए थे हम, मैं पहली बार ही आए हैं। एक बार पहले पूछा पाछा दिखा? हाँ, पूछा ले गए। ठीक बताओ बाबा। हाँ जी हाँ। सच्ची? सही। सॉरी? हाँ। कई बात झूठी बताई? नहीं नहीं, कोई झूठी। एक आधी तो बताई होगी ना। ना क्यों झूठ, सारी कोई सच बोले अगर भाई? ना सच्ची के सारी सच्ची बताई। हाँ जी हाँ। अच्छा, पक्की कहो है के? सही सही। कदे तेरी बात सुन के और पूछा दिखाना और आधे गड़ग मारा डले फेंक के झूठ के बैठे? सही बिल्कुल। हाँ ठीक। अच्छा देख लो भाई, हम तो कंधे नहीं, ये लोग के सच्ची बताओ। नहीं, हमन में बुलाए थे ना, ना कह रहे भी धूप दई थी, कह रहे भी हमन में आइयो। अच्छा। हाँ धूप देवा उससे फायदा हुआ है कि? हाँ जी हाँ, थोड़ा। अच्छा, कुछ फायदा हुआ है? हाँ जी हाँ। अच्छा। थोड़ा सा काम बने हम बने है। हाँ जी हाँ। और आज पहली बार हमन में आए? हमन में पहली बार ही आए। बूढ़ी होगी ठीक होने की? हाँ जी हाँ। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से? प्रेमनगर भिवाणी। प्रेमनगर भिवाणी, तो यहाँ पर कैसे आई, ये समस्या लेके आई? समस्या या घर आड़ी चल रहा है? घर तो समस्या घरे हो, घरे होगा जी समस्या तो होगी। रपटे बस, शांति है बस। शांति? हफ्ते पहले आए थे ना? मैं 5 बार आया हूँ। 5 बार आ लिए? शांति होगी? हाँ ठीक है। तो यानी कि सावन से फायदा होता है मानने में, कहने का मतलब? और जो ये धूप वगैरह देता घर में, इससे भी होता है आराम? आराम। कितनी साल तक थी समस्या? समस्या थी 5-10 साल तक। पहले दिन तो आराम शुरू होने लगा? आराम। अच्छा तो अच्छा, आप कहाँ से? प्रेमनगर से जी। प्रेमनगर? आप भी प्रेमनगर? तो हाँ, मैं प्रेमनगर से हूँ। अच्छा, वो दुश्मन नगर तो भी सके। अच्छा चलो, आप कहाँ से? सूरतगढ़ से। राजस्थान? सूरतगढ़ से। अरे वेरी गुड, तामी बढ़िया बताओगे, मैं राजस्थान से ही बताया करें सच्ची। पहली बार आए हो गए ना? दूसरी बार आए। दूसरी बार आए? 21 दिन पहले आया। पूछा दिखा? 21 दिन पहले आए थे? हाँ, पूछा दिखा। पूछा दिखा? पूछा हूँ तो बाबा जो कुछ बात बताई सत्य बताई। जमानियों के न्यूनू का अगर बीन की बीन की बीन। सही सही बात। आप भाई साहब कहाँ से? आदमपुर से। आदमपुर से? अच्छा, पहली बार आए हो आप भी? ना दूसरी बार। अच्छा, पूछा पाछा दिखाई गए थे? नहीं, तो अवन में आए थे? अवन में। तो इस अवन तो न्यू बता, तू श्याण आदमी है कि मिलो भी पड़े आदमपुर हिसार जिला है तारा, तो हमें किम बुढ़ाओ नहीं हो कि मिस्त फायदे भी हो? फायदा तो वही है, है? अमन में बैठने होए होए तेरे इनके दिक्कत है घर और। अच्छा, कितने साल थे हैं ये? 10-15 साल। अच्छा,
तो फिर क्यों आराम से? हाँ, पहले से आराम से। तब आप कहाँ से हैं जी? मुन्ना वाली से। हाँ जी, मुन्ना वाली। मुन्ना वाली गांव भी कुछ उतार ले जाए। ये कहाँ पर? हरियाणा में, पंजाब में? ये डबवाली तहसील में। डबवाली पास। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहली बार आए हो आप? पहली बार पूछा करा गया, फोन पर आए। ये पूछा ही बताओ, मैं पूछूं लोग लोग पूछा 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 तो पूछा सही बताओ नहीं बताई? सही है, सही बता दिया, सही बताई। चिट्ठी पढ़ दी जुमान में? हाँ, जुमान बता दिया, जो जो हो रहा था वो सारा बता दिया। न्यू न्यू तेरा हो जाएगा। अच्छा, और न्यू भी बता दी कि न्यू करण तो ठीक हो जाएगा भी? मन फिर बोले ऑन पर आ जाइए, तेरा काम हो जाएगा, बाकी चलो फायदा हो, शांति होगी घर में। घर में शांति होगी? शांति। कितने दिन हो गए यो पूछा पवा करते यानी धूप वगैरह? 21 दिन हो गए। 21 दिन हो गए? 21 दिन के बाद आज ऑन पे आए, तो उससे फायदा है? घर फायदा है, फायदा। तो धूप ले जानी चाहिए? हाँ, धूप ले जानी चाहिए, अच्छी है धूप। धूप तो वैसे भी अच्छी हो, घर कहनी चाहिए, कहनी चाहिए अच्छी है, फायदा भी हो। आगे फिर यो अटूंग चालू हो जाएगा, फायदा और भी आ गया। अरे डावड़ा तो नहीं, ये जींद के पास है। जींद के पास? अच्छा, पहली बार आए हैं आप? समस्या? धार्मिक आस्था में विश्वास है जी। धार्मिक आस्था में विश्वास है जी। अच्छा, अब देखने के लिए? कई वर्षों से देखने के लिए, सुख शांति के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप धार्मिक आस्था में तो विश्वास रखते हैं, आप दिन में आए थे क्या यहाँ पर? तो देखे आपने के बाद? अच्छा, अभी जो देख रहे हैं यहाँ पर माहौल कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, शांति प्रिय, कोई भंडबाजी नहीं दिख रहा है। वेदों के आधार पे हो रहा है? हाँ बिल्कुल, यही चीज है जी। यही है, ओरिजिनलिटी यही है? बिल्कुल यही है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल। कहाँ से हैं? दैमण से। अरे ठीक, थोबड़े दिखे हैं कि मैं तो भगवान ने करा क्या काले, कहते तू भी काले बना दे। कहाँ से हैं? दैमण से। दैमण से। अच्छा, पहली बार आए हैं आप? ना जी, कई दिन। कई दिन हो गए? समस्या के लिए रहा है, मतलब पहले तो बता। सारी पूरी होगी अपने? पूरी होगी, पूरी होगी तो क्यों बाड़े लाओ है? मैं तो पंजा, मेरे तो पूरी होगी, बच कड़े लोहे पड़े जी अपना। अच्छा, दाम है नज़दीक पड़ती है? अच्छा, शाम है जी। तो आपका उड़ान तो कि मैं बढ़िया है कि? हाँ, बहुत बढ़िया के सारा सारा लग गया शरीर में, थी गट पड़ती। आपका खुद गई थी? हाँ। अच्छा, कितने साल की थी? कई साल के थे। ठीक हो गया पक्का? बिल्कुल। अच्छा, धन्यवाद। ताई कहाँ से हैं आप? राउत खेड़ा। राउत खेड़ा। पहली बार आई है? हाँ। आज जी? हाँ। तुम भी पहली बार आए हो? ना। अच्छा, पहले भी आ चुके हैं? हाँ। कहाँ से? जमाल सिर से। अजी? जमाल से। जमाल। अच्छा, किस समस्या गुड़िया? कुछ नेगेटिविटी थी है पर आम है। आप पे ही? अच्छा, कितने साल से? साल डेढ़ साल से थी। साल डेढ़ साल से। तो यहाँ पर दो बार आए, तीन बार आ ली? कितनी बार आ ली? तीन चार बार आ ली अवन में। ठीक है, सुधार है? सुधार है, परेशानी नहीं देता है ज्यादा? ना, कोई परेशानी। मैं गांव बाड़ू, जिला कैथल। कैथल से? हाँ जी। अच्छा, बाड़ू। हाँ जी। अच्छा, बाड़ू बात तो बोले अगर वही है? हाँ हाँ, वही है। अच्छा अच्छा, तो आप कब से आ रहे हैं? मैंने कल आपकी वीडियो देखी थी। कल देखी थी? हाँ। कर दिए बुढ़ा बुढ़ा होगा, गरीब तो पहली बार देखी। हाँ। अच्छा, तो फिर मैंने देखी जायका महाज। अच्छा, मैं पूछा पछा करा पूछ। अच्छा। वो बोले जी आप ओमन पर आओ। अच्छा, ओमनों पर कटे जो कुछ भी कटे, संकट है घर में जो समस्या है सारी ओड़े, बोले ठीक हो है। भाई मैं सवेरे का उड़े हूँ 10 बजे का। अच्छा। हाँ जी, 10 बजे की उरस तो देखे होगा आपने एक्टिविटी कुछ, वातावरण कुछ किसा केला गया? बढ़िया वातावरण है, सारे न्यू का फायदा है। हाँ, मैं भी विश्वास पर रह गया। अच्छा, यानी भगवान का नाम आप जीत लेना चाहिए, फायदा हो तो नहीं तो टाला है ना। हाँ जी। हाँ जी। सही बात, हर चीज फायदे के लिए करते हम। राम का नाम भी फायदे के लिए भाई, मंदिर में जिदे जावा आप ही किसी दौरे भाई कि फायदा करे तो जावा, नहीं तो टाल। बात भी तेरी सच्ची, खरी बात तो यह लगी कि बुजुर्ग आदमी सच्ची बात कहे करे, शैनी बात कही है। बिना स्वार्थ राम का नाम लिया जा को नहीं भाई, और बिना स्वार्थ राम का नाम लेगा जो दिन भी हम भी भगत हो जावांगे। फतेहाबाद से? आप भी फतेहाबाद से? पहली बार। पहली बार आए हैं? हाँ जी, पहली बार। तू किस तरह बैठी है? न्यू नहीं बैठी हूँ, रूस रियोजन घर के अंदर उसकी आ रही हो। क्या समस्या है? घर की समस्या है, दूसरी बार आया। दूसरी बार आई? हाँ। फायदा है? फायदा यदि आया कि मैं टीका टिकाई हुई है। हुई है टीका टिकाई?
तेरे लिए बात खरी खरी लगी मैं कि मैं टीका टीका ही हो इस हां सही बात है थोड़ा बहुत फायदा हो है अर्जी दे आवा जे दाया नहीं हो तो कोनी आवा कोनी आवा या अरे के मन में या बात से शुरू में ट्राई सी मारना हो है कोशिश यार है भाई फायदा होगा देख ले एक बार जाके नहीं हुआ तो टल कर दे आगे जाने की फायदा है कि फायदा अच्छा इब तेरे मन में नहीं होगी हो जाएगी ठीक हां हो जाएगा हां तसल्ली सी होगी तो आई साज दूसरे चलो बहुत बढ़िया जयपुर से हाँ जी राजस्थान की राजधानी बिल्कुल बिल्कुल सही अच्छा, पहली बार आए हो नहीं मैं दूसरी बार आया हूँ अच्छा की समस्या है मेरे दर्शकान बताओगे समस्या घरेलू पर समस्या काम धंधे की समस्या है अच्छा कोई भी काम करते हैं रुक जाता है यही समस्या कितनी साल से है समस्या ये तो हो गया 31 साल हो गया 30 साल से तो यहाँ पर पहले पूछा करवाना आए थे हवन में आए थे मैं डायरेक्ट हवन में आया डायरेक्ट हवन में आए थे और वो जो धूप वगैरह देते हैं कोई यंत्र मंत्र कुछ धूप का मेरे को मालूम नहीं था मैं लेके भी नहीं गया था लेके नहीं गए तो हवन से कुछ लग रहा है कि पॉजिटिविटी आ रही है कुछ कुछ लग रहा है कि हो जाएगा अपने आपके साथ है कि हाँ जी कुछ है एहसास पहले हवन से फर्क है पहले से फर्क है फर्क है आप कहाँ से भाई बरवाड़ा से हाँ जी आप कब से आ रहे हैं यहाँ एक महीना हो गया पूरा यानी कि 3-4 बना पा लिए हाँ जी अच्छा की समस्या थी बस कोई घरेलू समस्या थी क्यों फर्क पड़े हैं पूरा फर्क पड़ रहा है हाँ सही बिल्कुल अच्छा आप अकेले आते हैं परिवार आता है कोई नहीं साथ में परिवार आता है हाँ जी पूरा फर्क है पूरा बिल्कुल पूरा अच्छा हाँ जी और कोई किसी तरह का पाखंड वगैरह तो नहीं नहीं बिल्कुल पढ़े लिखे यहाँ मानते हैं चीज़ों नहीं ऐसा कुछ होता तो आते ही नहीं अच्छा हाँ जी कहाँ से हैं मैं जींद से हूँ जींद से हाँ जी अच्छा आप यहाँ पहली बार आए हैं नहीं तो आप तो 3-4 बार तो मेरी वीडियो बना चुके हो मैं बना चुका हूँ बिल्कुल मैंने इस तरह पट्ठा लेंगी बनाई तो कौन थी कोई नहीं मैं तो शुरू से बना रहे हो आप कमाल है जी अच्छा मेरे याद नहीं भाई देखो मैं बने कदमों की बनाता हूँ मुझे याद नहीं रहता फेस तो किस समस्या थी आपको बस बिजनेस में अपन डाउन स्टार्ट हो गए थे आने तो स्टार्टिंग से जा रहे हैं बिल्कुल ओके चल रहा है यहाँ आने के बाद अभी 3 महीने में आज तो गाड़ी का स्वास्थ्य करवाने के लेके आए थे दूसरी लेके आए आज गाड़ी दूसरी ले आई गाड़ियाँ ही लेने लाओगे पहले तो हमारा पहले भी लेन थी अच्छा पहले भी लेन थी फिर बीच में डाउन आ गई थी डाउनफॉल आ गया था एक बार अच्छा अब बढ़िया चल पड़ा काम बिल्कुल मस्त अच्छा तो यहाँ तो मतलब जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है जैसे ही ऐसा है अगर हम किसी का बुरा ना चाह के अपने लिए काम करें तो बिल्कुल सही है ये बिल्कुल दूसरे का बुरा चाहना भी नहीं चाहिए भाई हाँ जी अपना हो जाए वही बहुत वो तो वही काफी हाँ दूसरे के लिए कड़े टाइम है भगत जी ने हवन शुरू कर दिया है और माँ बगलामुखी का हवन है आज और माँ बगलामुखी के हवन में पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं माँ आप लोग जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं बता रहा हूँ बाकी का भगत जी से पूछूंगा और आप सबको बताऊंगा मैं तो अभी हवन हो चुका है माँ बगलामुखी का और ये जो सामने दरबार है माँ घोरा काली का है और बगलामुखी का हवन वो होता है ये जो त्रिकोणीय हवन है 8 प्रकार के हवन कुंड होते हैं उनमें से एक ये त्रिकोणीय हवन कुंड होता है जो महाशत्रुनाशक व्याधिनाशक संकटनाशक यानी कि जो भी बुरी चीज़ें होती उनका विनाश करने वाला होता है और माँ बगलामुखी के हवन में बैठने मात्र से जो भी नेगेटिविटी हमारे साथ होती हैं जो भी ऐसी बाहरी आपदाएं होती हैं सभी का नाश यहाँ पर हो जाता है जो आहुतियाँ देते हैं एक एक आहुती इसके तो देखिए अभी सभी को आहुति में बैठाएंगे हर किसी के हाथ से इधर आइए थोड़ा सा हर किसी के हाथ से आहुतियाँ डलवाएंगे 21-21 जो भी नियम होता है 11-21-51 जो भी है 6-6 लोग बैठेंगे यहाँ पर ये पीले वस्त्र दे दिए गए हैं पीले वस्त्र अपने अंग पे रखेंगे ये तो पीतांबर वस्त्र जो है ये धारण करके इस यज्ञ में बैठा जाता है इसका नियम है पहला कि पीतांबर ये वस्त्र ले लीजिए भाई अपने कंधे पे या सिर पे रख लें सभी अपने अपने सर पे रखें सभी जो पीला वस्त्र है ये सर पे ओढ़ लें जैसे रुमाल ओढ़ते हैं वस्त्र ओढ़ते हैं अंगोछा ओढ़े इस तरह पीतांबर वस्त्रधारी होते हैं माँ बगलामुखी के हवन में और आप देखेंगे यहाँ पर ये जो लपटें निकल रही हैं
साथ में सवाहा बोले जो हवन में बैठे हैं वो, आप इन लपटों में ध्यान करेंगे, आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ वीडियो में, देखिए आकृतियां, माँ की आकृतियां कैसी बनती हैं। जब हवन अपने पूर्ण उस पे होता है ना, तो माँ की उसकी आकृतियां, और यहां देखिए दसों की दसों महाविद्याओं का, दसों की दसों देवियों की आकृतियां यहां बनेंगी शम। लेकिन पूर्ण रूप से ध्यान में बैठे, आंखें बंद करें या आंखें खुली रखें, तो हवन में रखें, माँ के चरणों में रखें, अपने आप को भूल के दुनियादारी से दूर होके, यंत्र दिए जाते हैं, तावीज दिए जाते हैं, और एक मंगलवार को स्पेशल धागा दिया जाता है बवासीर वालों के लिए, और भाई कसूता काम करे वो धागा, हजारों लोग ले जा चुके हैं, और वो सभी से मैं पूछता हूँ फोन करके, तो बताते हैं कि भाई वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से काम करता है धागा। तो आप मंगलवार को ही देते हैं वो धागा, तो मंगलवार को आके आप ले जाओ, उसका एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है उसका, 100 रुपये जो भाई पर्ची की तो मेरे ख्याल कटती होगी, वो तो लगते होंगे हैं, और वो जो 100 रुपये की पर्ची कटती है वो गौशाला में जाती है, उस धागे का कोई भी पैसा जो है पर्ची कटती है ना उसके, सारा गौशाला में जाता है, जितना गुड़ आता है सभी गौशालाओं में आपके निमित्त जाता है, 2-3 गौशालाओं में तो मैं भी लेके जाता हूँ, यहाँ से मेरी गाड़ी में कट्टे रख दिए जाएँ, तो मैं भी रास्ते में जो मेरे आसपास गौशाला हैं 2-3, तो वहाँ पहुँचाते हैं भाई, ये आपके धर्म कर्म के लिए, क्योंकि वैसे हम गौशाला में जाके हर रोज़ गऊ को गुड़ नहीं खिला सकते या दान नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ आपके नाम से चढ़ा हुआ गुड़ माँ घोरा के नाम से, दरबार के नाम से वहाँ जाता है, सभी का जो पुण्य है सबको लगता है, भाई मैं ले जाके खिलाऊँ थोड़ा बहुत मन भी लग गए, भगत जी ने मिला उसका पुण्य, लेकिन आपका 1.25 किलो गुड़ लिखा गया खाते में गऊओं के नाम, वो पुण्य का लाभ आपको मिलेगा, और 1000 गुना होकर मिलेगा ये।